ये लो पापा, मेरी तरफ और ऐश्वर्या की तरफ से फूल। हेलो एवरी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम OMG व्लॉग। तो आज है मेरे पिता श्री का बर्थडे। मेरी मम्मी सुबह सुबह करा के आई है फिजियोथेरेपी अपने घुटने की। कैसा है आपका घुटना? बहुत बढ़िया है। क्या क्या तेल वेल लगाया उन्होंने घुटने पे? हथौड़े मारे? नहीं, हथौड़े क्या मारेंगे? मारते में देखा वीडियो में, हथौड़े मारते हैं। एक्सरसाइज कराई। और इधर मुक्ति आ गई है लेके, के क्या बात है। बेकार भाई है ना मेरा। मतलब क्या हुआ, मेरे को ड्यूटी तो नहीं मेरे को लगाई ना फूल लाने की। हाँ तो मैं ऐसे घर से जाता तो पापा को शक हो जाता ना कि कुछ लेने क्या होगा मेरे लिए। मैं तू ही ले आ, बड़ा प्यारा लग रहा है। हमारे कभी नहीं होता है डिस्कस करना। और मुक्ति इतने दिनों बाद घर आई है फिर भी टैडी से पसंद नहीं कर रहा। टैडी मारना है, उसका खेलने का तरीका है। मुक्ति दीदी को बोल दो भाग जाओ। ये मुक्ति तेरे को बोल रहा है कि चली जाए यहाँ से। ये लो पापा, मेरी तरफ और ऐश्वर्या की तरफ से फूल। थैंक यू ऐश्वर्या भाई, आपको फूलों के लिए। अरे पापा चोरी से कह रहे हैं कि तुम ही ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। आइए, पापा ने सुबह सुबह तैयार किया था फ्रेश फ्लावर्स का पॉट। फ्लोटिंग फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। ओए हो, मुक्ति का गिफ्ट। ओ बाजी बा। बस पापा एक बात सुन लो, मैं उसे पूछ के आई हूँ। वो कहता पानी 10 दिन में 15 दिन में एक बार डालना है, और वो भी 15 ml। ml वो कह रहा थोड़ा सा डाल। इससे ज्यादा तो मैं दवाई पी जाता हूँ। फोटो छड़क छड़क वीडियो में आ गई फोटो आपकी। दिखा हिरन, हिरन हिरन ही था ना। मुक्ति ने तो बकरी बना दी थी। अब दिखा हिरन। ओए होए सुंदर है मुक्ति, वेरी ब्यूटीफुल। ये यहीं रखो, यहीं रखो, अच्छा लग रहा है। ये ना मेरे को ये पता है कि पापा को ना खुशबू है बहुत अच्छी लगती है। तो क्या बोलते हैं? अच्छा ह्यूमिडिफायर नहीं। ओके ओ, ये तो मैं काफी दिन सोच रहा था लाने की। देखा अच्छा, इसने आपकी मन की बात पढ़ ली पापा। अच्छी खुशबू आती है। थैंक यू। और मुक्ति ने आज भाई साहब पापा को कार्ड दिया, बर्थडे कार्ड। जमानों बाद में मुक्ति बर्थडे कार्ड देख रहा हूँ। शॉप पे गई तो मैंने कार्ड्स देखे। मैं तो पहले कितना कार्ड खरीदते थे फ्रेंड्स को, कार्ड सबको, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। जब से ये व्हाट्सएप पर आया है ना, मतलब कि लोगों को जो पर्सनल टच है ना, हाँ वो खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। ये पर्सनल टच है, ये बढ़िया लग रहा है। कार्ड के अंदर छोटे छोटे कार्ड है, बच्चे पैदा किए कार्ड, और उसके अंदर कार्ड के अंदर छोटे छोटे लिखा हुआ है, नाइस। और इधर ओंकार भाई आ गए हैं। कैसे हो? तैयार हो? कहाँ जा रहे हो? हैं हम जा रहे हैं मैचिंग मैचिंग। ये गलती है, मैं भी वही बोल रही हूं। एक गलती से नहीं होता, ये रोज रात को प्लान बनाते हैं कि सुबह हम ये पहनेंगे। कोई गलती गलती नहीं होती है, ये तो बाद में दो लोगों को बोलते गलती होगी। हमारा शेर आ चुका है। हैप्पी बर्थडे पापा। हाँ शेरे पंजाब, शेरे पंजाब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने, और पापा के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कुछ कपड़े वपड़े पापा ने लेने हैं। उसके बाद शाम को डिनर का प्लान बनाएंगे। तो देखते क्या करते हैं। तो भाई साहब पहले तो हम गए थे डीकैथलॉन पापा की शॉपिंग करने, वहाँ कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। तो अभी मॉल में आए थे, पापा को जबरदस्ती जूते दिला दिए हुए हैं। पापा का बड़े महीनों से जूते लेने का प्लान था, हर बार मुकर जाते थे कि जूते मैंने नहीं लेने, मेरे को क्या जरूरत है। आज हमने दिला दिए, और इसी बहती गंगा में हाथ धोने मैडम ने भी जूते ले लिए। तो कोई नहीं, चलो तुम भी ले लो। हम आ गए हैं शॉपिंग करके वापस, और यहाँ पे मेरे से और ऐश्वर्या से जल के हमें बोल रहे थे दोनों मियां बीवी, ये जल रहे थे हमसे, जल रहे थे। हम तुमसे इतने ज्यादा जल चुके हैं कि हम काले हो गए हैं। जल के काले हो गए। देखा, समझ रहे हो प्रूफ? तो दोनों काले पीले चिट्टे हो गए। काले पीले, हम पीले। तो अभी हमारा कुछ प्लान ऐसा बना है कि कहीं बाहर जाएंगे डिनर पे, बढ़िया सा स्वाद सा बाहर बैठ के खाना खाएंगे। हाँ पापा का केक जो मुक्ति सुबह लाई थी, हमने सोचा शाम को काटेंगे, तो पहले केक काटेंगे फिर निकलेंगे हम। चलो पिताश्री। पहले आपका बर्थडे, मैं आपकी शुगर बढ़ाऊंगी। चलो आ कर इसको दे दो पापा, इसको खिला। चलो तो गाइस पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम उठ गए सुबह सुबह जिम जाने के लिए, क्योंकि रात को जो उल्टा सीधा खाया था
उसको पचाना भी तो है। और मजा कल बहुत ज्यादा आया, और जहाँ पे हम डिनर करने गए थे वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था तो हम वीडियो नहीं बना पाए। और अभी बारी आ गई है जिम जाने की, तो जल्दी से रेडी होते हैं, जिम को निकलते हैं, वर्कआउट करते हैं जाके। कमान मुक्ति स्कूबी, वेरी गुड। तो जिम करके घर आ गए हैं और अब डैडी को घुमाने की बारी आ गई है। भाई साहब सुबह से वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई पोटी करा के लाएगा। चलो डैडी। A few moments later. भाई साहब आज तो अलग ही सीन हो गया, मतलब शादी को हो गए हमारी अप्रोक्सीमेटली 2 महीने और अब जाके किन्नर आए हैं। मतलब यूजली 2-3 दिन में आ जाते हैं, तो हमने भी उनसे पूछा कि आप इतने दिन क्यों नहीं आए, तो दे साइड की हिमाचल में कुछ उनका समारोह वगैरह चल रहा था, तो देवर बिजी देयर, उन्होंने हमें बिठाया। मुझे नहीं पता था इतना कुछ होता है। हाँ, इसको भी एक्सपेक्टेड नहीं था, शेरा को भी। उन्होंने हमें बिठाया, इसको सर पे चुन्नी दी, मेरे को सर पे कपड़ा दिया और पूरा एक मतलब एक रिचुअल टाइप किया हमें आशीर्वाद देने का। तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड, वेरी न्यू फॉर मी, फॉर अस। तो अभी बारी आ गई व्लॉग को खत्म करने की। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और बाय बाय टाटा गुड नाइट। मिलता हूं आपको अगले व्लॉग में इसी खुशी, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। बाय बाय।